दोस्तों ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन ब्लूटूथ 5 अभी रिसेंटली अनाउंस हो चुका है, जो आपको देखने को मिलेगा 2016 के एंड या फिर 2017 की शुरुआत तक। और मैं आज आपसे इस वीडियो में ब्लूटूथ 5 के बारे में ही बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी डिजिटल लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। अगर हम बात करते हैं हमारे फोन को दूसरे फोन से पेयर करने के लिए, हमारे फोन को लैपटॉप से या कंप्यूटर से पेयर करने के लिए, हमारे फोन से किसी ब्लूटूथ स्पीकर को पेयर करने के लिए, किसी ईयरफोन को पेयर करने के लिए, किसी स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए, या अगर हमारे फोन को कनेक्ट करते हैं हमारी गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम से, तो ऐसे सभी केसेस में हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आज की डेट में जो ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन है वो है ब्लूटूथ 4.2। और ऐसे में ब्लूटूथ की तरफ से एक नया वर्जन अपडेट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, जिसका नाम है ब्लूटूथ वर्जन 5। दोस्तों ये एक बहुत ही ज्यादा मेजर अपग्रेड है ब्लूटूथ 4.2 के ऊपर, क्योंकि इसमें जो आपको कनेक्शन की रेंज मिलेगी वो मिलेगी 4 गुना तक ज्यादा, और उसके अलावा जो आपको डेटा ट्रांसफर की स्पीड मिलेगी वो भी मिलेगी डबल यानी कि दुगनी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे में आने वाले दिनों में अगर आपको ब्लूटूथ 5 वाले डिवाइसेस यूज करने का मौका मिलेगा, तो उस केस में आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि आपने अपना म्यूजिक सिस्टम एक रूम में रखा है या आपका फोन एक रूम में रखा है और आपका जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो आप जैसे रूम से बाहर लेके गए, दीवार के पार गए और वो डिस्टॉर्शन आना स्टार्ट हो गया, पूरा जो था आपका कम्युनिकेशन जो था वो बिल्कुल टूट चुका है, या फिर अगर आप ओपन एयर में भी हैं तो भी थोड़ा दूर जाने पर जो डेटा है वो इतना ठीक से नहीं मिल पा रहा है, स्किप हो रहा है ट्रैक और वो बड़ा ही अजीब सा एक्सपीरियंस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो भी डबल हो चुकी है, तो ऐसे में आप काफी तेजी से ही आपस में डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ जो पावर कंजप्शन है वो भी स्लाइटली कम किया गया है एज कंपेयर टू ब्लूटूथ 4.2। दोस्तों ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए ब्लूटूथ को हम आज तक यूज लेते हैं दोस्तों हमारे फोन वगैरह को किसी पेरिफेरल्स के साथ में कनेक्ट करने के लिए, लेकिन ऐसे में हमने इसको बहुत जगह इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है और ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं आज के डेट में वाईफाई का। अगर हम बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई स्मार्ट बल्ब है, अगर आपको अपने घर में एक स्मार्ट बल्ब को यूज करना है तो ऐसे में आपको क्या चाहिएगा, एक वाईफाई राउटर कंफर्म चाहिएगा जहां पे उसका कंट्रोलर लगेगा, वो कंट्रोलर वाईफाई के थ्रू आपके जो घर में बल्ब लगा है उससे कम्युनिकेट करेगा और आप अपने फोन से कम्युनिकेट करेंगे वाईफाई के थ्रू ही उस कंट्रोलर से। अगर ऐसे में दोस्तों ब्लूटूथ 5 आ जाता है और वो जो डिवाइसेस हैं वो सभी यूज करेंगे ब्लूटूथ 5, क्योंकि ब्लूटूथ 5 में पहली बात जो एनर्जी कंजप्शन है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल वाईफाई, दूसरी बात आपको राउटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ ब्लूटूथ के थ्रू ही उस डायरेक्ट कंट्रोलर से कम्युनिकेट कर लेना है। अगर आपके घर में वाईफाई नहीं भी है तो भी आप बड़े आराम से इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बड़े आराम से यूज कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको राउटर चाहिए ही चाहिए। हो सकता है आपके पास में वायर्ड राउटर है, आपके पास में वायरलेस राउटर नहीं है, तो ऐसे में आपके पास में ऐसा नहीं है कि आप लिमिटेड रह जाएंगे। इंटरनेट थिंग्स के अंदर जितने भी आपके तरह तरह के पेरिफेरल्स हैं जो अपने घर में तरह तरह की चीजें लगाना चाहते हैं वो सभी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी डायरेक्टली ब्लूटूथ के थ्रू बिना किसी टेंशन के। उसके अलावा डेफिनेटली आपकी जो नॉर्मल कन्वीनियंस है वो तो बढ़ी जाएगी, आपको डेटा ट्रांसफर की स्पीड डबल मिल जाएगी, रेंज आपको मिल जाएगी 4 गुना। लेकिन दोस्तों एक और चीज ये है कि जो ब्लूटूथ बीकन्स हैं वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगी। ब्लूटूथ बीकन्स बेसिकली क्या है दोस्तों, ऐसे डिवाइसेस हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं नजदीक वाले ब्लूटूथ डिवाइसेस से और उनके बीच में डेटा ट्रांसफर वो शेयर करते हैं, बेसिकली इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके गार्डन के बाहर एक आपने प्रोब लगाया है जो आपके गार्डन के वेदर को पूरा जो है वो मॉनिटर करता है कि कैसा वहां पे मॉइस्चर है, कैसी ह्यूमिडिटी है, जो भी आपको तरह तरह के डिवाइसेस मिलते हैं मार्केट में, वैसा ही आपने एक डिवाइस जो है सिमिलर वो आपने लगाया है कंट्रोलर, वो आपके लगा है वाटर पंप के पास में। अब ऐसे में मौसम को देखते हुए वाटर पंप जो है वो किस तरीके से काम करेगा ये वो दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करके ही सारा फैसला ले लेंगे, आपको कुछ भी सोचना भी नहीं पड़ेगा और ये सब हो पाएगा ब्लूटूथ की मदद से, क्योंकि ब्लूटूथ 5 जो है वो इन सभी चीजों के अंदर काफी अच्छे से अलग अलग जो चीजें चाहिए, जैसे कि हमको चाहिए लॉन्ग रेंज, हमको चाहिए स्पीड वगैरह, तो ये सब आपको प्रोवाइड करने वाला है। इसके अलावा अगर हमारे स्मार्टफोन्स में आते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे मोबाइल फोन्स में अगर हमारे स्मार्ट वॉचेस को यूज करते हैं तो हमारे स्मार्ट वॉच को आज के डेट में ये होता है कि फाइंड माय फोन का ऑप्शन होता है, लेकिन फाइंड माय फोन का ऑप्शन जो है वो भी डिस्टेंस लिमिटेड है, क्योंकि ब्लूटूथ रेंज में अगर होगा तो ही आप फाइंड कर पाएंगे फोन को या वॉच को। ऐसे में वो रेंज अगर बढ़ जाएगी तो आप बड़े आराम से दूर तक भी कम्युनिकेट कर पाएंगे और आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपका फोन आपने घर में छोड़ दिया है वो रेंज से बाहर जाएगा, क्योंकि नॉर्मली आपके पूरे घर में ब्लूटूथ की रेंज हो जाएगी। जितना हमको सुनने में आया कि 4 गुना अगर है तो 4 गुना जो है वो काफी ठीक ठाक होता है एवरेज घर के लिए, तो वो एक अच्छी बात है। उसके अलावा दोस्तों ब्लूटूथ 5 में कुछ मेजर अभी जो टेक्निकल चीजें हैं वो अभी तक शेयर नहीं की हैं कि वो क्या है उसके अंदर क्या क्या फ्रीक्वेंसी, तो बेसिकली सेम होगी जो ISM बैंड्स होते हैं, बेसिकली आपके इंडस्ट्रियल साइंटिफिक मेडिकल जो बैंड्स होते हैं उसी में 2.4 GHz पे काम करेगा बेसिकली, हो सकता है 5 पे भी करे, मे बी, आई एम नॉट श्योर। लेकिन उसके अलावा कोई और डिटेल्स जो है क्या बैंडविड्थ वगैरह होगी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना तो कंफर्म है कि जो आपको अपकमिंग स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे 2017 में जो फ्लैगशिप्स होंगे उनमें आपको देखने को मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन 5। फिर हम बात करते हैं आईफोन्स की, हम बात करते हैं
सैमसंग गैलेक्सी की, हम बात करते हैं नेक्सस वगैरह फोन्स की, अगले साल के आपको सभी फोन्स में देखने को मिलेगा ब्लूटूथ 5, जिससे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप बाकी किसी ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप ब्लूटूथ 5 टू ब्लूटूथ 5 अगर कनेक्ट करते हैं तो वो बड़े ही अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो काफी पसंद आया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ब्लूटूथ 5 जैसे आएगा तो हमारी डिजिटल लाइफ को हम काफी और अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।